चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज एंड 1001 एपिसोड है, 1000 खत्म हो गए हैं, अब चलते हैं बढ़ते हैं 2000 की तरफ। यस वाओ, अभी भी सिंक नहीं हुआ है कि 1000 एपिसोड कंप्लीट हो गए। माय गॉड, जी हाँ, बहुत बड़ा माइलस्टोन था। वैसे दोस्तों बहुत जबरदस्त खबरें लेके आए हूँ आपके लिए। पहली सही में बहुत जबरदस्त है, इंडियन गवर्नमेंट किसी भी हालत में चिप मेकर्स जो है, फैब्रिकेशन जो करते हैं, जी हाँ, TSMC वगैरह जैसे कंपनीज है, उनको इंडिया में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। उसकी वजह से उन्होंने ऑफर किया है $1 बिलियन, 7,500 करोड़ के करीब दोस्तों वो कैश इंसेंटिव देने वाले हैं अगर TSMC वगैरह जैसी कंपनीज इधर आके उनका फैब्रिकेशन यूनिट जो है वो इधर लगाते हैं और चिप इधर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो दिस इज अ बिग थिंग एंड अ बिग मूव। वैसे दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, पहली बार हमारी टेक न्यूज़ देख रहे हो, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। पबजी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग खबर आ रही है दोस्तों। क्राफ्टन जो पेरेंट कंपनी है पबजी की, उन्होंने कहा है कि अभी तक जो इंडियन बहुत सारे प्लेयर्स थे वो इधर नॉर्मल पबजी इंडिया में बैन होने के बाद कोरियन वर्जन खेल रहे थे और वो अब बंद करने वाले हैं ऑफिशियली। June 30th से आप कोरियन वर्जन नहीं खेल पाओगे। इनफैक्ट पूरे दुनिया में जो भी कोरियन वर्जन खेलते हैं वो नहीं खेल पाओगे, सिर्फ अगर आप कोरिया में या फिर जापान में हो तो ही खेल पाओगे। वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पबजी मोबाइल इंडिया वैसे मई एंड तक आ जाने वाला है, सो ठीक है, वो बंद हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इजंट इट। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि जो एलन मस्क है उनकी जो स्टारलिंक कंपनी है वो इंडिया में ब्रॉडबैंड देने वाली है, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, लेकिन आपको पता है प्रॉब्लम में आ गए वो। जी हाँ, जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि कोई भी सैटेलाइट बेस्ड फ्रीक्वेंसी के लिए ऑथराइजेशन नहीं है इसरो या फिर DOT के पास से, जो जरूरी है सैटेलाइट थ्रू ब्रॉडबैंड देने के लिए। जी हाँ, तो इसका मतलब इट इज अनऑथराइज्ड, इट इज इलीगल। वैसे दोस्तों मैंने $99 देके बुक कर दिया है ऑलरेडी और अब ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। Very bad. वैसे दोस्तों मार्च में बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे, अप्रैल भी कम नहीं लग रहा है। जी हाँ, मार्च को नहीं मैच कर पाएगा, फिर भी आने वाले हैं, पता चल जाएगा, पूरी टेक न्यूज देखिए। वैसे सैमसंग की तरफ से दो F सीरीज के फोन आ रहे हैं, F02S एंड F12। जी हाँ, ये लॉन्च होने वाले हैं 5th अप्रैल को, 3-4 दिनों के बाद लॉन्च होने वाले हैं। यस, वैसे आज April 1st है, अप्रैल फूल्स डे है। नहीं, लेकिन आई डोंट बिलीव इन इट, आई डोंट बिलीव इन फूलिंग आर ओन सब्सक्राइबर्स। जी हाँ, नहीं करते हैं हम, नहीं, मजाक में भी नहीं करते, कभी नहीं करेंगे। ओप्पो F19 सीरीज में प्रो एंड प्रो प्लस, ओप्पो F19 प्रो एंड प्रो प्लस ये दोनों भी लॉन्च हो गए, उनका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन कर दिया है दोस्तों। अब 6 तारीख को सबसे छोटा भाई ओप्पो F19 आने वाला है। जी हाँ, और उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस भी लीक हो गए, ये भी एमोलेड स्क्रीन के साथ होगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह होने वाला है, 5000 mAh की बैटरी कही जा रही है, 33 वॉट फास्ट चार्जिंग, मिड रेंज का होगा, 20,000 के नीचे होने वाला है ऐसे कहा जा रहा है। 6 तारीख को सब कुछ पता चल जाएगा ओप्पो F9। दोस्तों OnePlus की तरफ से एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, पता है वो क्या लॉन्च कर रहे हैं? प्लग एंड प्ले वेबकैम फॉर स्मार्ट टीवीज। जी हाँ, आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इतना ज्यादा बढ़ गया है कि टीवी पे भी लोगों को चाहिए वेबकैम, और उसकी वजह से OnePlus लॉन्च कर रहा है प्लग एंड प्ले वेबकैम। इसमें फिजिकल बटन होगा बंद चालू करने के लिए वेबकैम को। जी हाँ, माय गॉड, वरना लिविंग रूम में हमेशा चालू, दैट्स बैड, अच्छा है। सो यस, OnePlus का प्लग एंड प्ले वेबकैम कमिंग। दोस्तों आपको पता है कि IQOO की तरफ से उनके 2-3 फोन आने वाले हैं, स्पेशली IQOO 7 जो फ्लैगशिप लेवल का होगा, 40,000 के नीचे, 3X999 प्राइस भी टीज कर दिए। लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि उनका एक स्पेशल एडिशन फोन, जी हाँ, BMW मास्टर एडिशन फोन आने वाला है। उसके फोटोज वगैरह आ गए, पीछे वो BMW के जो स्ट्राइप्स होते हैं, ब्लू ग्रीन रेड, नहीं ग्रीन नहीं, ब्लू एंड रेड होता है, वही है। वाओ, दिस इज गोइंग टू बी अ स्पेशल एडिशन फोन और ये भी लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, 888 प्रोसेसर पे वगैरह होगा, फास्ट चार्जिंग होने वाला है। इसकी प्राइस क्या होगी पता नहीं, 2-3 हज़ार से ज्यादा होगी, लेट्स वेट एंड वॉच, बट अप्रैल में वो भी आ रहा है BMW मास्टर एड। चलिए दोस्तों बात करते हैं रियलमी के बारे में। पिछले 2 दिन से मैं बता रहा हूँ कि 3 फोन आने वाले, आज कंफर्म हो गया है, सी सीरीज के C20, C21, C25। ये सब हीलियो जी सीरीज के प्रोसेसर पे होगा, G25, G70 पे होने वाला है शायद, एंड बाकी के दो G35 पे होने वाले हैं, 5000 mAh की बैटरी, बड़े वाले में 6000 की, और ये सब दोस्तों 10,000 के नीचे, मतलब अराउंड 10,000 या लोअर देन 10,000 इस प्राइस रेंज में आने वाले हैं। आने दीजिए, सब कुछ बताएंगे आपको, अनबॉक्सिंग करेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन देंगे, अच्छे हैं या बुरे हैं ये भी बताएंगे। यस, वेट फॉर इट। दोस्तों शाओमी की तरफ से बड़ी खबर आ रही है, यस, मी 11 अल्ट्रा लॉन्च हो रहा है इंडिया में आ रहा है दोस्तों, दिस इज अ क्रेजी फोन। जी हाँ, मतलब
टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशंस हैं, अप्रैल 23 को आने वाला है। आपको कुछ बता दूं क्योंकि चाइना में लॉन्च हो गया तो पता है, 6.81 इंच की क्वाड एचडी प्लस स्क्रीन होने वाली है, मतलब 2K प्लस स्क्रीन होने वाली है इसके अंदर। 5000 मिली एम्पियर आर की बैटरी, 67 वॉट फास्ट चार्जिंग होने वाला है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर होगा, 12GB रैम वेरियंट है इसके अंदर, 12GB और शायद उसके ऊपर भी होगा। सो एनीवेज, जबरदस्त फोन है ये, आने दीजिए। कैमरा भी बहुत जबरदस्त है इसका, इनफैक्ट नंबर वन पे है। अगर आप डीएक्सो मार्क्स देखोगे तो सबसे ऊपर कैमरा का रेटिंग आया हुआ है Mi 11 अल्ट्रा का। सो अप्रैल 23rd आई एम वेटिंग फॉर रीब्रांडिंग इज गोइंग टू हैपन एंड इट इज गोइंग टू कीप हैपनिंग। रेडमी गेमिंग फोन, कल या परसों मैंने बताया था कि डायमेंसिटी 1200 पे रेडमी का एक गेमिंग फोन आ रहा है। अब दोस्तों ऐसी खबरें आ रही है कि ये यस चाइना में रेडमी गेमिंग फोन होगा, लेकिन जब इंडिया में आ जाएगा तो उसका नाम पोको से चालू होगा। जी हाँ, वो होप रीब्रांड होके पोको के नाम से आ जाएगा। याद रखिए डायमेंसिटी 1200 तो है, लेकिन इसमें फिजिकल बटन्स भी है खेलने के लिए, शोल्डर बटन्स। सो वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज ऑल्सो कमिंग वेरी वेरी सून। तो कल खबर आई थी कि पोको का एक नया फोन आ रहा है, शायद इट इज गोइंग टू बी द सेम। और फाइनली दोस्तों बता दूं, रेडमी नोट 10 सीरीज सुपर डुपर हिट हो गई है ऐसे लग रहा है। शाओमी ने आज अनाउंस कर दिया कि 500 करोड़ के रेडमी नोट 10 सीरीज के फोन उन्होंने बेचे हैं। अभी क्या दो ही सेल हुए, दो या तीन ही सेल हुए हैं, और सोचिए दोस्तों 500 करोड़ रुपए के फोन ऑलरेडी बेच दिए। कुछ भी हो जाए लोग रुकने नहीं वाले हैं बाय करना। यस, इज नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल। चलिए दोस्तों आज की टेक न्यूज होती है खत्म इधर। अच्छे डील्स ऑफर्स वगैरह उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वक्त होता है ऐप ऑफ द डे का। टाइप वाइज ऐप है बेसिकली दोस्तों, अगर छोटी छोटी जो सॉफ्ट कीज होते हैं कीबोर्ड के ऊपर आपके फोन के, वो आपको पसंद नहीं आते तो टाइप वाइज जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े कीज है, आप गलती नहीं करोगे, गलती से मिस टाइप वगैरह नहीं करोगे, उसके लिए है टाइप वाइज। वरना मेरा फेवरेट जी बोर्ड है इतना मैं कहता हूं, बट टाइप वाइज इज ऑल्सो गुड, गो एंड ट्राई इट आउट। नीचे लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों आप वक्त होता है ट्रैकिंग टेक ट्रेजर का, कुछ दिखा आज की टेक न्यूज में इधर उधर आजू-बाजू आगे पीछे, अगर दिखा तो जाइए कमेंट सेक्शन में #TTTHDALIE, टाइम स्टैम्प डालिए, स्पेसिफिकली हमें बताइए आपने क्या देखा, क्योंकि अगर आपसे ही आप जीत पाओगे पेटीएम का गिफ्ट वाउचर। और कल के हमारे 1000th एपिसोड के पेटीएम गिफ्ट वाउचर के विनर हैं श्रीराम जंवर। कांग्रेचुलेशन श्रीराम जी, भेज दीजिए आपका पेटीएम का मोबाइल नंबर, हम भेज देंगे आपको आपका पेटीएम गिफ्ट वाउचर। एंड नाउ टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस टेक न्यूज, आपका नाम लेने का, हमारे सुपरस्टार्स का नाम लेने का। कल के हमारे 3 सुपरस्टार फीचर कमेंटर्स हैं मसूद अहमद, पॉल डिकोस्टा, बेंज जोसेफ। कांग्रेचुलेशंस, लवली 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 कमेंट्स दोस्तों। ऐसे ही रोज कमेंट्स करते रहिए, ऐसे ही रोज मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहूंगा, ऐसे ही आपका नाम लेता रहूंगा, ऐसे ही कुछ लोगों को हार्ट्स लाइक्स रिप्लाइज देता रहूंगा। चलिए दोस्तों आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 1001 खत्म होती है इधर ही। अगर अच्छी लगी yes, डोंट फॉरगेट लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं वो कर दीजिए, शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।